आज हम बात करने वाले वन प्लस की तरफ से आने वाले एक अफोर्डेबल फोन पे। लास्ट मंथ ही हिंट दिए थे कि वो एक अफोर्डेबल फोन लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है वन प्लस जेड, जो कि हाल ही में लॉन्च होने वाला है जुलाई के मंथ में। क्या है इसका स्पेक्स, क्या है इसका फ्यूचर और कैसा या इसका प्राइस होने वाला है, क्या है इसका प्राइस होने वाला है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं एआर ट्यूबर। उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे, मगन होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस जेड के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, क्या हमें इसका डिस्प्ले कैसा मिलने वाला है। 6.5 इंच का इसका डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि सुपर एमोलेड वाला है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है और पंच होल कैमरा भी दिया गया है। और कहा जा रहा है कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेशमेंट के साथ आएगा ये इसका डिस्प्ले। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम इसके कैमरा के बारे में। तो बैक कैमरा की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा, जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का कैमरा और उसका सेकेंडरी कैमरा आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए होने वाला है। और जो इसका थर्ड कैमरा है वो आपको मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का, जो कि है डेप्थ सेंसर के लिए। और फ्रंट कैमरा का बात कर लें तो वो आपको 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है। और साथ ही आपको इसमें जो बैटरी मिलती है वो 4300 mAh की बैटरी मिल जाती है। बैटरी काफ़ी अच्छी दी गई है और इसको चार्ज करने के लिए 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। तो यहां तक तो काफ़ी बहुत ही अच्छा है, पर प्रोसेसर के मामले में कहा जा रहा है कि 765 का स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर हो सकता है, जो कि सपोर्ट करेगा 5G को। अब फोन आने के बाद ही पता चलेगा, पर लीक से ही आ रही है कि 765 का प्रोसेसर होगा। तो फोन में ये ही सारी स्पेक्स थी और आपको मिल जाएगी इसमें 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज के साथ। तो भाई मैंने आपको वन प्लस का काफी स्पेक्स बता दिया है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये स्पेक्स हो सकती है। तो मैं आपको इसकी प्राइस भी बता देता हूँ, वो भी एक्सपेक्ट ही किया जा रहा है कि ये प्राइसिंग हो सकती है। 24,990 रुपीज में ये फोन लॉन्च हो सकता है जुलाई के मंथ में। तो अगर इस स्पेक्स के साथ और इस प्राइस के साथ, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर आए तो क्या आप इस फोन को लेना पसंद करेंगे, क्या आपके लिए ये फोन वर्थ परचेस होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पर मेरा यही ओपिनियन होगा कि वन प्लस 765 जो प्रोसेसर लगा रहा है वो 845 लगा दे तो काफी बेहतर हो जाएगा, क्या ही बात हो जाएगी। मतलब 845 काफी पुराना प्रोसेसर है, पर अभी भी उसमें वो अलग टाइप का दम है, मतलब वो गेमिंग काफी मस्त करवाता है। वैसे इस बात को छोड़िए, हम आगे चलते हैं कि वन प्लस ने एक और अनाउंसमेंट की है उसकी टीवी की तरफ से। वन प्लस का टीवी भी आने वाला है भाई, वो भी 32 इंच का और प्राइस 20,000 के नीचे। मतलब क्या ही कहा जाए, वन प्लस का टीवी भी प्राइस 20,000 के नीचे, 32 इंच का वो टीवी होने वाला है। और वन प्लस का तो ब्रांड आप जानते ही हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का बनाता है, वो एकदम स्मूथ। आप अगर वीडियोज देखेंगे टीवी पे, एकदम स्मूथनेस के वीडियो चलते हैं। इसके टीवी आ चुके हैं पहले, पर ये फिर से एक लॉन्च होने वाला है अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि 32 इंच का होगा। तो मुझे टीवी के मामले में पर्सनली उसका प्राइस और टीवी दोनों अच्छा लगा है, और वन प्लस जेड के मामले में मुझे सब चीज़ पसंद आई है, बट वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी कमाल की बात है, काफ़ी लोग उसे परचेस करेंगे वन प्लस जेड को और वन प्लस टीवी को भी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं, टेक एंड टिप देते रहते हैं और अनबॉक्सिंग और फोन के रिव्यूज वगैरह करते रहते हैं। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है।